हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमने जो निगोशिएशन स्टैंड्स इन्वेंट्री के जो क्वेश्चनेयर बनाए थे, तो उसका हम लोगों ने जो वहाँ पे पॉइंट्स डालने थे वो 1 to 7 के रेटिंग्स में पॉइंट्स देने थे। 15 क्वेश्चनेयर्स थे फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बोला था कि सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेने के लिए। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा जो इंटरप्रिटेशन है निगोशिएशन स्टैंड्स इन्वेंट्री का वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो स्कोर का ऐड है वो 15 टू 33 के बीच में आया है, तो इसका मतलब है कि आप जो है एक एक्सीलेंट निगोशिएटर हैं। आपका जो निगोशिएशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है, और एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो रखता है। आप टाइम और प्लेस ओरिएंटेशन में ये विश्वास रखते हैं कि कोई भी चीज जो है वो राइट नाउ राइट हियर होनी चाहिए। Although you respect others and acknowledge that they have just as much right to want what they want as you do, you realize that they will take care of themselves. आप दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जो दूसरे चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए, और आप भी जो चाह रहे हैं वो भी हो जाए। आप इसमें दूसरों की केयर भी कर रहे हैं करते हैं। You recognize that in a universe of limited resources, negotiating is the most effective and civilized way of obtaining what you want. आप ये recognize करते हैं कि universe में जो भी limited resources हैं, तो उसको negotiating के through जो है एक effective और civilized way में obtain किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। अगर आपका स्कोर 34 टू 50 के बीच में आया है, that means कि आप एक willing negotiator हैं। कुछ areas जहाँ जिस क्वेश्चनेयर में फ्रेंड्स आपने स्कोर जो है 6 to 7 पॉइंट्स दिया है, वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। यू कैन एंड विल निगोशिएट, आप निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो है आप जो चाहते हैं उसको करने के लिए आप इजियर वे चाहते हैं। यू आर रीजनेबली कंफर्टेबल विद कंफ्लिक्ट, आप जो भी कंफ्लिक्ट जो है या कन्फ्रंटेशन है वहाँ पे आप उसको आप फेस करना चाहेंगे, लेकिन कुछ रीजनेबली मैटर में, और वो काफी छोटा हो, मतलब ज्यादा उलझा हुआ ना हो, तभी आप उसके थ्रू जाएंगे। आप एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पार्ट में आप प्रेफर करेंगे कि जो लोग जिसे आप निगोशिएटिंग कर रहे हैं या आप उनसे कोई अगर चीज चाहते हैं तो उसको अचीव करने में वो आपको हेल्प करें, कोऑपरेट करें। नेक्स्ट जो है 51 to 69 अगर आपका स्कोर है फ्रेंड्स, तो निगोशिएटिंग जो है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप ऑल द अदर मे हैव नीड्स, यू बिलीव दोज नीड्स आर फ्रैंकली जस्ट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर्स। अगर दूसरों की नीड है, लेकिन आपका ये मानना है कि आप उनकी नीड जो है आपके नीड के कंपेयर में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल द यू कैन एंड विल निगोशिएट ऑन सम थिंग्स, आप कुछ जगहों पर जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कि और कुछ जगहों पे आप सोचते हैं कि आप निगोशिएट आपको नहीं करना चाहिए। यू बिलीव दैट यू हैव अर्न द राइट टू द रिसोर्स, आप ये सोचते हैं कि आपने रिसोर्सेज पे जो है आपका राइट है। एंड इफ अदर वॉन्ट्स टू बी कंसिडर्ड, और अगर दूसरे इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो उनको भी उतना ही हार्डवर्क करना होगा जितना कि आप चाहते हैं। यू आर अनकंफर्टेबल विथ कंफ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन, आप कन्फ्रंटेशन कंफ्लिक्ट से आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। यू व्यू निगोशिएटिंग एज कंफ्लिक्ट प्रोड्यूसिंग एंड देयरफॉर हार्मफुल टू दोज इन्वॉल्व, और आप जो भी ऐसे मैटर होंगे जिसमें कि आपको लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है या कोई कंफ्लिक्ट इसमें हो सकती है, तो आप इस तरीके के निगोशिएशन में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद करेंगे। नेक्स्ट है 70 to 88, अगर आपका स्कोर 70 to 88 के बीच में आया है, दैट मीन्स कि यू कंसीडर निगोशिएटिंग टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग, आपको जो कॉम्प्रोमाइज निगोशिएटिंग होगा वो आप उसको कंसीडर करेंगे। एंड यू वॉन्ट लिटिल टू डू विथ, और आप निगोशिएटिंग जो है वो बहुत कम करना चाहेंगे। यू व्यू पीपल हु आर कम्पीटिंग विथ यू फॉर सम रिसोर्सेज और आउटकम एज द एनिमी एंड अनट्रस्ट वर्दी, आपको जो लोग आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं आपको लगेगा कि वो आपके एनिमी हैं या वो अनट्रस्ट वर्दी हैं। यू एवॉइड कंफ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन एंड विल गो टू ऑलमोस्ट एंड लेंथ
टू अवॉइड देम। आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्रंटेशन में जो है वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, आप नॉर्मली जो है उसको अवॉइड करेंगे। यू बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू बी ट्रीटेड फेयरली, और आप ये विश्वास रखते हैं कि जो भी निगोशिएशन हो या जो भी आप जिस मैटर में निगोशिएट कर रहे हो वो जो है बहुत ही फेयरली ट्रीट किया जाए। नो वन एल्स शुड रिसीव मोर ऑफ द रिसोर्सेज और आउटकम देन यू, और कोई भी आपसे अधिक जो है रिसोर्सेज का आउटकम जो है उसको ना मिले। इफ रिसोर्सेज हैव टू बी शेयर, और अगर रिसोर्सेज शेयर भी किए जा रहे हैं तो आपका ये मानना है कि उसको जो है इक्वली शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका स्कोर 89 प्लस है, इसका मतलब है कि आप निगोशिएट करना नहीं चाहेंगे, आप उसको रिफ्यूज करेंगे। इफ यू हैव टू निगोशिएट टू ऑब्टेन व्हाट यू वांट, यू विल डू विदाउट इट। अगर आपको किसी चीज के लिए निगोशिएट करना पड़े तो आप उसके बिना ही वो काम कर लेंगे, लेकिन आप निगोशिएट नहीं करेंगे। यू डू नॉट वॉन्ट एनी वन बट योर सेल्फ टू रिसीव एनीथिंग, बट यू आर अनविलिंग टू फाइट अबाउट इट। आप जो है दूसरों के लिए, दूसरे क्या चाहते हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आप उससे ही, आप उसके लिए ही कुछ करेंगे, लेकिन आप उसके लिए किसी भी तरीके का संघर्ष करना पसंद नहीं करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे जो फाइट है, फाइट का मतलब यहाँ संघर्ष करने से है, तो बट यू आर अनविलिंग टू फाइट अबाउट इट। आप किसी भी निगोशिएशन के लिए संघर्ष करना पसंद नहीं करेंगे। योर फिलोसफी इज इफ फॉर सम रीजन आई कांट हैव इट ऑल देन आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ इट। आपकी फिलॉसफी ये है कि किसी भी कारण से अगर आप किसी चीज को नहीं कर सकते हैं तो आप उसको करना ही नहीं चाहते या आप उसको नहीं करते हैं। दैट शो देम, दैट विल शो देम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोरिंग है जितना ही कम आएगा ये हमारे निगोशिएशन स्किल्स के लिए उतना ही अच्छा है, और हमारा स्कोर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें अपने निगोशिएशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जिस भी पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 2, 10 और 15 को छोड़ के जो भी पॉइंट्स में आपने रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा दी है, तो आपको उस फील्ड में अपने ऊपर जो है वो काम करना होगा। निगोशिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपके लिए विन विन सिचुएशन नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए संघर्ष करना है, आपको उसके लिए प्रयास करना है ताकि डील जो है सक्सेसफुल हो। और निगोशिएटिंग करने के टाइम हमेशा आपको सामने वाले के पॉइंट्स को भी देखना होगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको भी देखना होगा, और खुद के पॉइंट्स को भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी भी डील को निगोशिएट करने में हेल्प करती है फ्रेंड्स। तो जिस भी क्वेश्चनेयर में आपने रेटिंग ज़्यादा की है, आपको उस फील्ड में काम करना है, और इस तरीके से आप अपने निगोशिएशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इन्वेंट्रीज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।